So this is your question number 26 of tangent and normal. The question is the slope of the normal to the curve. The equation of curve is y is equal to 2x squared plus 3. This is the equation of curve. You have to find the slope of normal. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना है, लेकिन हम जानते हैं कि जो टैंजेंट का स्लोप होता है, जो टैंजेंट का स्लोप होता है बच्चों, वो होता है dy by dx at point x1 y1. इसको हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट. और बच्चों जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, बेसिकली नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, दैट इज dy by dx एट पॉइंट x1 y1. तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो कर्व की इक्वेशन दी है, सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. तो कर्व की इक्वेशन में बच्चों यहाँ पे ध्यान से साइन एक्स भी लिख लीजिएगा. जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो आई थिंक ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स. तो इस तरह से बच्चों आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया है, लेकिन आपको ये डिफरेंशिएशन यानी स्लोप निकालना है टैंजेंट का. कौन से पॉइंट पर स्लोप निकालना है? जब एक्स इक्वल टू जीरो है. तो बच्चों आप इसमें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आप टैंजेंट का स्लोप निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो बच्चों सबसे पहला वाला टर्म तो 4 इंटू जीरो से जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1, दैट इज 3. उसके बाद बच्चों अगर आप नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि आपसे नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो. तो बच्चों माइनस वन बाई थ्री इज योर राइट आंसर. तो आपका जो आंसर है, आंसर इज डी पार्ट. तो बच्चों आपका आंसर जो है वो बेसिकली डी पार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा.